हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ इज़ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो हमारी रहेगी साइकोलॉजी के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है, इसका क्या मतलब है, एंड व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूडेज वीडियो। सो स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्टली जो साइकोलॉजी वर्ड है किसने यूज़ किया था? रुडोल्फ गोखले इन 1590। तो सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया था बाय रुडोल्फ गोखले, कब किया गया था? 1590 में। सो कम टू द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। सो जो साइकोलॉजी वर्ड है कहाँ से लिया गया है? टू ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ साइकी एंड सेकेंड वन इज़ लोगस। साइकी मीन्स स्पिरिट, सोल और माइंड, एंड लोगस मीन्स स्टडी। सो सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। सो जो वर्ड सोल है उसका मतलब होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड सोल। सो यहाँ पे जो विलियम जेम्स थे उन्होंने क्या किया, जो वर्ड सोल था उसको रिप्लेस कर दिया वर्ड माइंड के साथ इन 1890। सो मीनिंग इज क्लियर। टू ग्रीक वर्ड से लिया गया साइकोलॉजी। फर्स्ट वन इज साइकी एंड सेकेंड वन इज लोगस। साइकी मीन्स स्पिरिट, सोल और माइंड, एंड लोगस मीन्स स्टडी। सो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी थी या मीनिंग दिया था साइकोलॉजी की, एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ सोल। जो क्या हुआ था, जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी ये नॉट एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, बिकॉज हम कभी भी किसी भी सोल की स्टडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लेटर ऑन फिलोसोफर प्लेटो सेड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। तो जो दूसरे फिलोसोफर थे प्लेटो, उन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ स्टडी ऑफ माइंड, बट ये जो डेफिनेशन थी उनकी वो क्या थी, इनकम्प्लीट। नेक्स्ट आते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, माइंड इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी थी कि जो माइंड है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, बट दिस वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, क्योंकि ये भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी। एंड लेटर ऑन 18th century एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और साइंटिफिक साइकोलॉजी केम इन टू बींग, एंड फाउंडर कौन थे? विलियम वंडेंट। एंड फर्स्ट लेबोरेटरी जो हमारी साइकोलॉजी की बनी थी कहाँ पे बनी थी? जर्मनी में इन 1879। तो ये कुछ डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर जो दी गई थी, बट ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है, बिकॉज ये सारी इनकम्प्लीट है। जो एक्चुअल डेफिनेशन है एग्ज़ाम में लिखने वाली वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं इनको ईजी समझ के कॉपी पेस्ट कर देते हैं एग्ज़ाम में, और जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं आते, तो ये डेफिनेशन कभी भी नहीं लिखनी है, बिकॉज दीज ऑल आर इनकम्प्लीटेड। नाउ कम टू द डेफिनेशन। तो ये जो डेफिनेशन है इनको आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। इट इज़ स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क्स। सो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी है किसकी? मेंटल प्रोसेस की एंड बिहेवियर की, बिकॉज हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं बट किसी की सोल को स्टडी नहीं कर सकते। पीछे जो था ना स्टडी ऑफ सोल, तो वो गलत है। तो हमने क्या लिखना है, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं बट किसी की सोल को स्टडी नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज़ स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क्स। तो किस साइकोलॉजी क्या है, माइंड की स्टडी है कि हमारा माइंड है वो कैसे काम करता है। और ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर विच इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर। सो नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस है किसकी? ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की। एक ऐसी साइंस है जिसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये डेफिनेशन दी थी W. हैमिल्टन ने। नाउ कम टू द लास्ट डेफिनेशन, दैट इज साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, स्पेशली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन गिवन कॉन्टेक्स्ट।
सो साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड और उसके फंक्शंस की, स्पेशली जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो हमारे पास ये तीन डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन यहाँ से उठा के लिख सकते हैं, वैसे तीनों ही बहुत ईजी हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है तो ये लाइन जरूर ऐड करनी है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, जो भी आगे आपकी डेफिनेशन है। एंड जो हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस करी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफर, वो आपको नहीं लिखनी है, वो इनकम्प्लीटेड है। तो जो डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, तो ये तीन डेफिनेशन है, जो भी आपको अच्छे से दो आती हैं, वैसे तो तीनों बहुत ईजी हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।